वसंत कुंज इलाके में धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। राजधानी दिल्ली में हालांकि मानसून तो दस्तक दे चुका है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको बता दें, सोमवार के दिन की बात की जाए तो सोमवार शाम होते होते राजधानी दिल्ली में आसमान में एकदम से बादल छाए और पहले तो धूल भरी आंधी चली, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे कि लोगों को राहत मिली। तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की दिखा रहे हैं आप, जहां देखिए आसमान में काले बादल छाए हुए, वहीं तेज आंधी की वजह से जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है, साथ ही साथ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। बहरहाल अभी आपको बता दें, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती के दौर की बात की जाए तो 24 और 25 जून को राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी जिससे कि मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, लेकिन अभी कुछ दिन दिल्ली वालों को इसी उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ेगा। तस्वीरें वसंत कुंज इलाके की देख रहे हैं आप।